टेलीफोन पर लड़की की आवाज निकाल कर लोगों को उल्लू बनाना तो आसान है, लेकिन क्या एक लड़का लड़की बनकर चार लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा सकता है? असल जिंदगी में तो ये नामुमकिन सा लगता है, पर आयुष्मान खुराना एक अच्छे सेल्समैन की तरह न सिर्फ हमें ये कॉन्सेप्ट बेचते हैं, बल्कि हम भी उसे आसानी से हजम कर लेते हैं। ड्रीम गर्ल की सफलता के बाद आयुष्मान और राज शांडिल्य की जोड़ी ड्रीम गर्ल 2 में क्या कमाल दिखाती है, ये जानने की उत्सुकता दिल में थी और आयुष्मान खुराना ने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। तो फिल्म देखने से पहले यहाँ देखे ड्रीम गर्ल 2 का पूरा रिव्यू। ड्रीम गर्ल 2 ओपनिंग बॉल पर ही कॉमेडी का सिक्सर लगा देती है और पूरी फिल्म में आयुष्मान कॉमेडी की धुआंधार पारी खेलते हुए दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हैं। इस फिल्म के हीरो भी आयुष्मान खुराना है और फिल्म की हीरोइन भी आयुष्मान खुराना है। एक मर्द को औरत के रूप में बड़े पर्दे पर देखना और उसके पीछे चार चार मर्दों का पागल होना लॉजिक से परे है, लेकिन फिर भी इस फिल्म को हम खूब एंजॉय करते हैं। पहली ड्रीम गर्ल के मुकाबले फिल्म ज्यादा मजेदार है, लेकिन जिस तरह से ड्रीम गर्ल ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था वो इस फिल्म में मिसिंग है। फिर भी कहा जा सकता है कि आयुष्मान खुराना ने उन्हें दिया हुआ टास्क एक असली रॉडी की तरह पूरा किया है और उनकी टीम ने उनका पूरा साथ दिया है। आयुष्मान खुराना ने ड्रीम गर्ल 2 में पूजा पर इतनी मेहनत की है कि हम करम यानी कि आयुष्मान का मुख्य किरदार से ज्यादा फिल्म में पूजा का स्क्रीन प्रेजेंस एंजॉय करते हैं। ड्रीम गर्ल पार्ट 1 में भी आयुष्मान सीता बने थे, लेकिन वो किरदार बस कुछ पल के लिए दिखाया गया था और पूरी फिल्म में सिर्फ पूजा की आवाज और करम का शरीर था। लेकिन पार्ट 2 में सबसे ज्यादा पूजा का जलवा देखने को मिल रहा है। अन्नू कपूर, परेश रावल, अभिषेक बनर्जी, राजपाल यादव, मनजोत सिंह ने आयुष्मान का खूब साथ दिया है। अनन्या पांडे अच्छी हैं, लेकिन नुसरत का किरदार ज्यादा प्रभावशाली था। परी यानी कि अनन्या पांडे का किरदार इस फिल्म में महज एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस लगती है, क्योंकि पूरी कहानी पूजा के इर्द गिर्द घूम रही है। और भी अधिक जानकारी के लिए बॉलीवुड गपशप को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।